गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था वेव ऑप्टिक्स। इसमें हम लोगों ने पढ़ा डिफ्रैक्शन के बारे में। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे होता है। तो हमें देखना कि वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद फेज डिफरेंस फाई, मतलब फाई के साथ इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगा इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पैटर्न बनाएंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें क्या होगा, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेंगे, और इसमें दिखाएंगे कि मान लिया ये सेंट्रल मैक्सिमा है हमारे यहाँ पे, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा है। इसके बाद जैसे जैसे हम किनारे की तरफ जाएंगे, ये मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी दोनों तरफ। तो इधर हमारा क्या है, फेज डिफरेंस फाई, और यहाँ पे जो है इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में इंटेंसिटी है डिनोटेड बाई आई। इसी तरह इस साइड में भी क्या है, इंटेंसिटी किनारे जाने पर क्या है, डिक्रीज हो रही है, ये हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज़्यादा ब्राइट है इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन, जैसे जैसे हम किनारे जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा डिक्रीज है, जिसको हमने कैसे दिखाया था, ये माना था कि पहले एक सिंगल स्लिट है, फिर इसमें माने थे सिंगल स्लिट को टू इक्वल हाफ में डिवाइड किए थे। तो हमने पहले ये एक्सप्लेन किया था फर्स्ट डार्क क्यों बन रहा है यहाँ पे, उसके बाद स्लिट को थ्री इक्वल हाफ में डिवाइड किए, तब उसके बाद एक्सप्लेन किया गया कि ये फर्स्ट मैक्सिमा क्यों कैसे बना, क्यों कम इंटेंसिटी का इतना हो गया। इसी तरह यहाँ तक एक्सप्लेन किया गया, इसी तरह आगे भी हम लोग कर सकते हैं इनकी वैल्यू 2, 3, 4 रख करके। तो ये फिगर हम लोग बना लेंगे कि वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ फेज डिफरेंस हाई। इसके बाद ये डिफ्रैक्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। तो हम तो कम से कम इंटेंसिटी का फेज डिफरेंस का फिगर जो बनाए हैं इंटरफेरेंस में भी और डिफ्रैक्शन में भी, दोनों को देख करके कुछ डिफरेंस पता कर सकते हैं, फिर डिफिनीशन से कुछ डिफरेंस लिख सकते हैं। आइए एक एक करके इसमें देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस में, तो इसमें क्या होता है, देयर आर टू कोहेरेंट सोर्स, क्या होना चाहिए, इंटरफेरेंस होने के लिए दो कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, तभी इंटरफेरेंस की फिनोमिना होगी और हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो मिलेगा ही नहीं। अब इसी तरह डिफ्रैक्शन का मिलेगा, इसमें क्या होता है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कोहेरेंट सोर्स इन ए सिंगल स्लिट, एक सिंगल स्लिट में इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ कोहेरेंट सोर्स होता है, जिसमें हम 2 इक्वल हाफ 3 इक्वल हाफ में डिवाइड करने पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं इंटरफेरेंस में, ईच ब्राइट फ्रिंज हैव इक्वल इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है इन केस ऑफ इंटरफेरेंस, अगर देखें जितने भी मैक्सिमा बनते हैं सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, कितनी होती है, 4I0। ऐसा नहीं कि सेंटर से किनारे की तरफ जाने पर डिक्रीज होता जाए, कोई भी मैक्सिमा देखेंगे हर एक की इंटेंसिटी 4I0 ही होती है। जबकि अगर हम देखें अब डिफ्रैक्शन में क्या होता है इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे नंबर दो, ये नंबर दो इंटरफेरेंस का। तो अब डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी या ब्राइट फ्रिंज डिक्रीज है, जैसा कि अभी हमने फिगर बनाया यहाँ पे, कि किस केस में, डिफ्रैक्शन के केस में है वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद फेज डिफरेंस फाई। हम देख रहे हैं जैसे जैसे किनारे की तरफ जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, विड्थ भी देख सकते हैं कांस्टेंट नहीं, डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये एक डिफरेंस हो गया यहाँ पे हमारा, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज डिक्रीज है इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं इन केस ऑफ इसमें इंटरफेरेंस के केस में, तो इंटरफेरेंस के केस में थर्ड पॉइंट क्या है, फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज रिमेन कांस्टेंट। इंटरफेरेंस में जितने भी ब्राइट फ्रिंज मिलते हैं या जितने डार्क फ्रिंज मिलते हैं सभी का विड्थ क्या है, कांस्टेंट होता है, वेरी नहीं करता है। फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी फार्मूले से हम देख सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ जो है वेरी नहीं करता है इन केस ऑफ इसमें इंटरफेरेंस। लेकिन अगर हम डिफ्रैक्शन के केस में देखें थर्ड पॉइंट, तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज है, जैसे जैसे हम किनारे की तरफ जाएंगे सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ सबसे ज़्यादा होगा, फर्स्ट मैक्सिमा का और कम हो जाएगा, सेकेंड मैक्सिमा का
और कम होता जाएगा, मतलब सेंटर से किनारे की तरफ जाने पर रेंज विड्थ डिक्रीज होता जाता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आते हैं इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस अराइजेस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव। इंटरफेरेंस कैसे अराइज होता है? ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव इमिटेड फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स। कि अगर दो लाइट वेव कोहेरेंट सोर्स से निकल रही हैं तो क्या होगा? इंटरफेरेंस की फिनोमिना होगी। अब डिफ्रैक्शन कब होगा? इसमें फोर्थ पॉइंट, डिफ्रैक्शन अराइजेस ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट बीम पासेस थ्रू ए नैरो स्लिट। कब अराइज होता है डिफ्रैक्शन? जब एक क्या है वेव होती है, चीज़ क्या है, किसी नैरो स्लिट से पास होती है तो क्या होता है, किनारे की तरफ बेंड हो जाती है, कॉर्नर की तरफ। तो इस फिनोमिना को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। इस तरह से दीज आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या है? तो डॉपलर इफेक्ट की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि कोई स्टार्स है अर्थ के पास आ रहा है या अर्थ के दूर जा रहा है। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस स्टार का हम अगर प्रिज्म से स्पेक्ट्रम देखें तो स्पेक्ट्रम के बेसिस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या कंडीशन है, और स्टार पास आ रहा है कि स्टार दूर जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर वाइट लाइट इंसिडेंट हो किसी प्रिज्म पर, प्रिज्म है वाइट लाइट इंसिडेंट हुआ, क्या होता है, ये सेवन कलर में स्प्लिट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? नीचे वायलेट ऊपर रेड, तो विबग्योर का एक ऑर्डर बन जाता है। जब भी एक वाइट लाइट किसी प्रिज्म से इंसिडेंट होती है, वाइट लाइट तो क्या है, सेवन कलर का स्पेक्ट्रम मिल जाता है। अभी अगर हमें बताना है कि किसी स्टार का ये स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो रहा है, उसमें है क्या कि मान लेते हैं कि जो स्ट्रिप बन रही है कलर की प्रिज्म से आउटपुट में, तो मैक्सिमम स्ट्रिप वायलेट की तरफ अगर शिफ्टेड हैं, मैक्सिमम स्ट्रिप क्या है, वायलेट की तरफ ही शिफ्टेड हैं, रेड की तरफ क्या है, रेयर केस है, मैक्सिमम वायलेट की तरफ हैं और रेड की तरफ कम शिफ्टेड हैं, मीन्स मैक्सिमम स्ट्रिप शिफ्टेड टूवर्ड्स द वायलेट। इट मीन्स दैट क्या होगा कि जो स्टार्स है वो क्या है, अर्थ के पास आ रहा है। वायलेट शिफ्टिंग जिसको हम नाम क्या देते हैं इस केस को, तो हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट नाम देते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट दैट स्टार इज कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ। तो ये इस तरह का अगर स्पेक्ट्रम का पैटर्न मिल रहा है तो हम लोग उसको क्या है, ये रिप्रेजेंट करेंगे कि जो स्टार का स्पेक्ट्रम है अगर ऐसा मिल रहा है तो स्टार अर्थ के पास आ रहा है। इसी तरह दूसरा केस देखेंगे कि कब पता चलेगा स्टार अर्थ से दूर जा रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं एक दूसरा प्रिज्म का स्पेक्ट्रम बनाए हम, और इसके अकॉर्डिंग ये वाइट लाइट इंसिडेंट हुआ, ये भी क्या होगा, सेवन कलर में स्प्लिट हो जाएगा, ऊपर रेड नीचे वायलेट। तो अगर स्पेक्ट्रम में क्या देखें हम कि मैक्सिमम स्ट्रिप्स कलर की जो स्ट्रिप्स हैं वो किधर शिफ्टेड होंगी, रेड की तरफ ऐसे शिफ्टेड है मैक्सिमम, और वायलेट की तरफ बहुत कम स्ट्रिप हैं, मतलब रेयर स्ट्रिप्स हैं, और रेड की तरफ डेंसर स्ट्रिप्स हैं। तो इसका मतलब कि क्या है, मैक्सिमम स्ट्रिप रेड की तरफ शिफ्टेड है, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। और इसको हम लोग कहते क्या है इस केस को, कि जब रेड की तरफ डेंसर स्ट्रिप मिलती हैं इसको हम लोग कहते हैं रेड शिफ्ट, हम कहते हैं रेड शिफ्ट। तो इस तरह से एक ब्लू शिफ्ट हमें बताएगा स्टार इज मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ, एंड रेड शिफ्ट इज एक्सप्लेन दैट स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। तो ये डॉपलर इफेक्ट का यूज क्या है, इसीलिए कि किसी स्टार्स का पता कर सकते हैं कि वो पास आ रहा है कि दूर जा रहा है, ये हम लोग पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉपलर इफेक्ट। अब इसके बाद एबव थ्योरी पर बेस्ड होमवर्क है हमारा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ये होमवर्क एबव थ्योरी बेस्ड हम लोग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।